वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जी थोड़ा वैद मिलकी थोड़ा स्वागत है जी अपने यूट्यूब चैनल जोंदा आयुर्वेद से। अज आप पुराने ग्रंथ के एक नुस्खा दसन जा रहे हैं जिहड़े बे औलाद जोड़े ने जिन्हां औरतां नूं मेंसेज सही तरीके नाल नहीं आउंदे ते वध घट के आउंदे है जां दर्द नाल आउंदे है जा मैंसेज बंद हो गए मैंसेज समय घबराहट हुंदी है किसी भी तरह की रुकावट पै गई है जिहड़ी जिहदे नाल ओह मां बनण दे विच असमर्थ हो चुकियां ने। काफ़ी सारे टेस्ट करा ले कोई उहदे विच कहिण दा भाव उहदे विच कोई नुक्स नहीं आया कोई गंढ नहीं कोई रसौली नहीं तां भी जिहड़ा बेबी नहीं ठहरदा हैगा सिर्फ की है गया उन्होंने महामारी की समस्या है मैंसेज सही ढंग नाल नहीं आती यही सब तो वड्डी समस्या उन्होंने जिहड़ा मां बन दे विच रुकावट पैदा कर रही है। अज तुहानू इस महान ग्रंथ के विचों नुस्खा दसांगे जिहड़ा वैद जी ने वरत्या अनुभवी नुस्खा उन्होंने यह लड़ीवार मान लो लिखा हुआ पंजाबी दे विच इच्चों आपां नू जिहड़ा नुस्खा है मैं है ना वो अपन भाल लभ के भालना पैंदा जिवें मधु सो तिरफला है ना एवें इहदे विचों समझ के तुहाडे लई इह आपां जो नुस्खा लैके आ जो वैद जी ने समझाया सी ते ग्रंथ अपने रीड किया स्टडी किया उस तो बाद ही तुहाडे लई इह नुस्खा लैके आया। नुस्खा इन्ना क वधिया कि इहदे नाल बांझ औरत भी माँ बन जो बे औलाद निराश नहीं होणगे इन्ना क वधिया जिहड़ा इह नुस्खा हैगा। नुस्खे दे नाल नाल तुहानू दस्सांगे परहेज की ने किन्ना टाइम तुसी नुस्खा वरतना लगातार ते की सावधानियां रखनियां ने। पहला आपां गल करदे हां परहेजां दी। परहेज वार दा कुछ नहीं खाणा तुसी तलिया फास्ट फूड खट्टियां चीज़ां अचार वगैरह इदां दीआं चीज़ां दा सेवन बिल्कुल ही नहीं करना जिहड़ियां शरीर नूं अपने नुकसान पहुँचाउंदियां ने। तो मैदा बिल्कुल ही सेवन बंद करो रिफाइंड तेल घी जिहड़ा हैगा फिल्टर किए हुए इन्हां दा बिल्कुल ही जिहड़ा सेवन बिल्कुल ही बंद करना पऊगा तां जाके तुसीं मां बनोगे बे औलाद निराश नहीं होणगे। आयुर्वेद दे विच की दस्सिया गया परहेज ते मेडिसिन खाण दा ढंग सब तो जरूरी है। ये दो चीज़ां अगर तुसी पल्ले बन लैंदे हो तो सस्ती दवाई भी कम करेगी अगर खाण दा ढंग तुहानू सही आ गया तरीका सही पता चल गया तो परहेज रख ले तो 100% आयुर्वेद की मेडिसिन नाल ठीक हो जावोंगे जी। तो होर की सावधानियां रखनियां ने जिन्ना टाइम तुसी दवाई वरतनी है उन्ना टाइम तुसी संभोग नहीं करना। जो थोड़ी मोटी कोई दिक्कत है वीरां नूं किसी नूं पस सै लाउंदे थोड़े मोटे तो उन्हां दा इलाज भी तुसी नाल नाल जरूर करना है। ते तुसी अपनी रिपोर्ट्स भेज के सातों नुस्खा पुछ सकदे हो तुहानूं नुस्खा दस्सांगे जिन्हां वीरां नूं पस सै ला रहे ने बेबी कंसीव करन दे विच काफ़ी प्रॉब्लमां दा उन्हां नूं सामना करना पै रहा। जिहड़ा इह नुस्खा जी इस प्रकार है नाग केसर 50 ग्राम मजीठ शुद्ध 50 ग्राम मुश्क बला 50 ग्राम तिन्हां नूं अलग अलग कुट के चंगी तरह कापड़ छान करके मिक्स कर लो। इन्हां दा वजन करके तिन्हां दा बराबर तुसीं इहदे विच मिश्री पा लैणी है मिश्री धागा मिश्री हुंदी जिहड़ी अपनी डले वाली ठीक है जी। इहनूं किसे एयर टाइट ढक्कण दे विच बिल्कुल ही मिक्स करके रख लैणा है 3 ग्राम सवेरे 3 ग्राम शाम नूं कहिंदा बाबा 1 चमचा सवेरे 1 शाम नूं हल्के गर्म गर्म दुध नाल लैणा जी। तुसीं ने जद रितु चालू होण वाली होवे उस तों उस दिन तों इह दवाई चालू करो ठीक है जी। जिन्ने दिन उह रितु रहिणी आ मान लो है ना इह तुसीं खाई जाणी है दवाई उस दिन तों चालू करनी है जदों तुहानूं मैसेज आ गए ठीक है उस दिन तों चालू कर लो तुसीं जां जिस दिन तो तुहानूं पता है भी 12 तरीक नूं जां 1 तरीक नूं साडे शुरू हुंदे ने कहिंदा भाई मान लो किसी लेडीज़ नूं 10-12 तरीक नूं शुरू हुंदे ने तां उस तरीक तों इह मैडिसन शुरू कर लो
तीन महीने तक लगातार तुसी इहदा जिहड़ा कोर्स करना है दवाई का, जिहड़ी तुहाडी पेट च दर्द रहिंदा है मेंस च कारण वध घट आउंदी है, सही तरीके नाल नहीं आउंदी, बूंद जां छिट्टा जिहा लगदा है, सही नहीं आउंदी, दिल की घबराहट है, साड़ पैंदा, जलना है ना, रुक गई है मेंस च, हर प्रकार दे बेमिसाल औषधियां दा इह बेजोड़ नुस्खा है जिहड़ा बे औलाद जोड़ियां लई इक आस दी किरण समझ लो तुसी। जिहड़ियां इहदे विच औषधियां दसियां गईयां ने उहदी ग्रंथां दे विच बहुत महिमा लिखी गई है, जिवें नाग केसर दी, मेघ बनोद विच बहुत ही प्रशंसा लिखी गई है, रीतू नूं शुद्ध करन वाला है ना इह नुस्खा हैगा। तो तीन महीने तुसी यह नुस्खा जरूर वरतना है, ठीक है जी। नुस्खा वरतन तो पहला साडे नाल कॉन्टैक्ट जरूर कर लियो, तुहानू किवें प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उस नाल तुहानू नाल एक दो औषधियां जो बाजार च तुहानू रेडीमेड मिल जाएंगे, बैद्यनाथ होर किसी कंपनी है, तो वह तुहानू जरूर दस देवांगे नाल, तां कि तुहाडी जिहड़ी मेंसेज है सही हो सके, शुद्ध हो के तुसी मां बनन दे काबिल हो सको। जिहड़े जोड़े वेल आदि ने उन्हां लई बहुत ही अच्छा नुस्खा है, नुस्खे नूं वरत्यो ते वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिओ, तां कि जिहड़े वेल आदि जुड़े ने उन्हां लई इक आस दी किरण है वीडियो इह, उह वी माँ बाप बण दा बच्चे दा सुख है जिहड़ा उह प्राप्त कर सकण। बहुत ही अच्छा नुस्खा वरत्यो, अगर नुस्खा तुहानूं वधिया लग्या, वीडियो वधिया लगी तां लाइक जरूर कर दिओ ते शेयर जरूर कर दिओ, तां कि होर ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।